हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज है मंडे और कल हम लोग जयपुर से वापस आए। मैं, प्रियांशु और तुषांक बाया रोड ट्रिप। काफ़ी इंजॉइंग था यार। और तुषांक की कार थोड़ी सी खराब हो चुकी है, आई मीन कुछ बम्पर वम्पर टूट गया है। वी डोंट नो द स्टेटस, अभी मैकेनिक के पास गई है। आज उठा, 2 दिन का पुराना काम था, आई मीन सैटरडे संडे, ठीक है, ऑफिस का काम हो गया है, यू नो अकेडमिक्स कुछ भी हो, बहुत सारा अटका हुआ था। सो आज मैं सुबह से बैठ के कंप्लीट कर रहा हूँ। अभी हो गए हैं 12। तुषांग जा चुका है अपने ऑफिस, और यहाँ पे क्योंकि घर पे हमारे खाना बनता नहीं है, आई मीन तुषांग के घर पे खाना बनता नहीं है, ज़्यादातर खाना बाहर से ही आता है। ज़्यादातर क्या, सारा ही खाना बाहर से आता है। सो दिस इज टिफिन आई ऑर्डर्ड फॉर माई सेल्फ फॉर लंच। ये पनीर की सब्जी है, दाल है, चावल है, रोटी है एंड सम सैलेड। ओके, सो दिस इज माई लंच। तो ये रहा अपना खाना, और ये रहा कुछ सामने YouTube वीडियो लगा रहा हूँ। एक्चुअली मैं साउथ इंडियन मूवीज़ बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें होता है ना पारिवारिक माहौल वाला चीज़, एक फील होता है। इनफैक्ट मैं अपने एग्जाम्स में, कॉलेज में जब एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तब भी जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है सिचुएशन, और लेट से एक एग्ज़ाम के बीच में दूसरे एग्जाम के बीच में जो गैप होता है, उसमें अगर माइंड फ्रेश करना हो तो भी मैं साउथ इंडियन मूवीज़ देखता था। द रीज़न बीइंग, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता, एट द एंड हैप्पी एंडिंग होती है, कुछ ऐसा सोचना नहीं होता, मूवी खत्म, सब भूल जाओ, ठीक है, स्टोरी लाइन कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं, अच्छा लगता है जब तक मूवी देखो, कॉमेडी वगैरह सब होती है। सो दैट्स वाई आई लाइक साउथ इंडियन मूवीज। हॉलीवुड मूवीज वगैरह, फाइटिंग सीन्स वगैरह, आई मीन उसके बाद भी 3-4 घंटा उसी मूवी के बारे में सोचो, अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हो जाता तो। ऑल दिस थिंग्स आई डोंट लाइक वॉचिंग ड्यूरिंग एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। मैं शो कि मैं जयपुर से अपनी मम्मी पापा और बहन के लिए क्या क्या गिफ्ट लेके आया। बाय द वे, हमारे पास जो हम लोग होटल से निकले हैं 10 बजे के आसपास, तो हमारे पास जयपुर घूमने के लिए बहुत ही कम टाइम था। सो वी एक्चुअली हायर्ड अ ट्रैवल गाइड, हेलो, कुछ जो आसपास के मेन मेन इलाके हैं वो हमको दिखाए थे, एंड उसने 2 दुकानें हम लोगों को दिखाई। एक तो साड़ी वाली दुकान थी, समथिंग कॉल्ड एज महारानी पैलेस, वहां से हमने साड़ियाँ ली, एंड कोई हकीम की दुकान थी, आई मीन ही लिव्ड एंड सर्व द किंग्स ऑल्सो, सो उनकी कोई दुकान थी, एंड वो 150 साल से तक जिए थे, ऐसा कुछ स्टोरी है। द गाइड एंड द दुकानदार दे बोथ क्लेम कि वो जो जूते चप्पले बनाते हैं उसमें औषधि लगी होती है, ठीक है। सो आपको जॉइंट पेंट हो, कोई भी जोड़ों में दर्द हो, मोटापा हो, चर्बी ज़्यादा हो पेट की, वो सिर्फ जूते पहनने से सही हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो औषधि है वो एक्चुअली में काम करती है, आई मीन समथिंग लाइक दैट। सो आई डोंट बिलीव इन दैट स्टोरी एज मच, बट स्टिल मैंने अपने पापा के लिए डायबिटीज है उनको, तो उनके लिए एक गिफ्ट खरीदा है। लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क, अगर बेनिफिट हुआ तो बहुत अच्छी बात है। सो ये रही साड़ी मम्मी के लिए खरीदी है, ये वाली सिल्क की है, एंड दिस इज हैंडलूम कॉटन। सो ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन वगैरह उनके पास था, तो आई बॉट इट, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ऐसे मैं साड़ी वाड़ी कभी खरीदा नहीं मम्मी के लिए आज तक, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई बॉट समथिंग फॉर हर इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स। दिस इज द शूज, इस पर तो ब्रांडिंग भी लगी हुई है, एक्चुअली वो व्हाइट लेबल्ड करके बेचते हैं, आई डोंट नो कितना सही है, बट बोल रहे थे कि 1 महीना अगर पहनेंगे सो डेफिनेटली शुगर काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। कैमल लेदर है बाय द वे। इट्स डिनर टाइम एंड गोइंग आउट, दिस टाइम फॉर अ स्ट्रीट फूड। इज द की, दबाओ, लेट्स गो। क्या सेक्सी गाड़ी है, मक्खन पोर्श। बंदे को देखो, रैपिडो का हेलमेट लगा के डंजो की डिलीवरी कर रहा है, वो भी जोमेटो की टी शर्ट पहन के।